सेसमे चिकन। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बनाने लगे हैं चाइनीज सेसमे चिकन बनाने लगे हैं। पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। आप चिकन थाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 एग चाहिए होगा। कॉर्नफ्लावर के अलावा बाकी सब चीज़ों को मिक्स करके चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। कम से कम हम 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। अब हम चिकन को कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करने लगे हैं। इसके लिए आप कोई इस तरह का डिब्बा सा ले लें। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला इसमें मैंने। जो चिकन था उसका मैंने जो एक्स्ट्रा मैरिनेशन थी वो मैंने ड्रेन कर ली है। चिकन तरह एक एक करके इसको डाल दें इसमें। अच्छा जी, हमने सारा चिकन डाल दिया। अब इसके ऊपर दोबारा मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून जो सी है दोबारा कॉर्नफ्लावर डालूंगी। अब मैं इसकी लिड बंद करके इसको ज़रा शेक कर लूँगी। आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे इजी भी है और जल्दी से ये लग भी जाएगा। ये देखें, बिल्कुल सही ये हम लोगों के लग गए चिकन के साथ, अच्छी तरह कॉर्नफ्लावर लग गया। इसको अब मैं इस प्लेट में निकाल लूँगी ऐसे। ये हम लोगों का पूरा चिकन जो है वो कोटेड हो गया, ऑयल ऑलरेडी गर्म हो चुका है। चिकन जो मैं 2 दफ़ा करके डालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड ना करें। अच्छा जी, ये हमने एक बैच डाल। अच्छा, इसमें एक टिप है, जब आपको चिकन ऑयल में डाले हुए अराउंड 2 मिनट हो जाएं तो आप इस चिकन को निकाल लें, क्योंकि ये 2 दफ़ा हम डालेंगे फ्राई होने के लिए, इसे सेकंड टाइम भी डालेंगे। उससे यह है कि इसका क्रंच जो है वो बड़ा अच्छा रहता। पहले बैच को मैं निकालने लगी हूँ, देख लें इस तरह का कलर करना है आपने। और अब मैं दूसरा बैच डालने लगी हूँ। ये दूसरा बैच भी रेडी हो गया, उसको भी मैं निकाल लूँगी। चिकन को 10 मिनट हो गए हैं कूल हुए। अब मैंने ऑयल दोबारा गर्म कर लिया अच्छी तरह से, और अब ये चिकन दोबारा मैं इसमें डालूंगी और मैं हम उस वक्त तक इसको फ्राई करेंगे जब तक ये ज़रा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अच्छा जी, ये मैंने अब, बेशक आप दोनों बैचेस इकट्ठे डाल दें कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़रा केयरफुल कि ऑयल बाहर ना गिरे उबल के। तो अब मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इस चिकन को पका लूँगी। जी ये देखें, ये हमारा चिकन जो है ये गोल्डन ब्राउन हो गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब हम सेसमी चिकन की सॉस रेडी करने लगे हैं। इसके लिए हमें चाहिए क्या होगा, इसके लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे, 4 टेबलस्पून हम टमाटो केचप के लेंगे, 1 टेबलस्पून हम विनेगर का लेंगे, 1 टेबलस्पून हम सोया सॉस का लेंगे, 4 टेबलस्पून हम लोग लेंगे ब्राउन शुगर की। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम सेसमी ऑयल का लेंगे और 1 कप हम वाटर लेंगे। इन सब चीज़ों को आप एक बाउल में मिक्स करके रख लें। अच्छा जी, हम गार्निश करेंगे। सेसमी सीड्स लिए हैं और 1 स्प्रिंग ऑनियन लिया है। इससे हम सेसमी चिकन जो है आखिर में गार्निश करेंगे। जो सॉस थी अब हम उसको रेडी करने लगे हैं। 1 से 2 मिनट के लिए आप पका लें, जरा सी ये थिक होने लगेगी तो हम इसमें फिर चिकन डालेंगे। जो चिकन है फ्राई करके रखा वो हम डाल देंगे इसमें और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये रेडी हो गया, सेसमी सीड्स रखे हुए थे वो डाल देंगे हम ऊपर इसके, इनको भी मिक्स कर लें ज़रा। इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे। ये जी रेडी हो गया हमारा सेसमी चिकन, ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच जी।